अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करते हैं आप सब हरियत से होंगे आज की वीडियो में इंशाअल्लाह लजीज़ आपको नाते अली पढ़ने के छह वज़ाइफ बताएंगे ये वज़ाइफ आपको तफसील के साथ बताए जाएंगे इन वज़ायब को किन किन मकासद के लिए कर सकते हैं वो मकासद भी आपको बताए जाएंगे और कितनी तादाद में आपने नादे अली को और किस वकत और कैसे पढ़नी है ये सब आज की वीडियो में इनशा लजीज़ आपको बताया जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है अगर अभी तक का आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियो बा और सबसे पहले मिलती रहे अगर किसी को बड़ी से बड़ी मुहिम और दशवारी पेश हो तो उसे चाहिए कि रोज़ाना इक्यालीस बार नादे अली को पढ़े इनशा लजीज़ जो भी परेशानी होगी बहुत जल्द हल हो जाएगी नादे अली स्क्रीन पर आ रही होगी नाद अली मजहर आजाई भी तजिद हु। اون لك في النوائب <سؤال> كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا محمد رسول الله بولايتك يا علي يا علي يا علي अगर आपका कोई ऐसा मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा तो छियासठ मरतबा हर रोज नादे अली को पढ़ें जब तक का आपकी मुराद है आपका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो जाता उस वक़्त तक रोजाना छियासठ मरतबा नादे अली को पढ़े इनशा लजीज जो भी मकसद जो भी मुराद होगी वो जल्द पूरी हो जाएगी वो मरीज जो जिंदगी ऐसी मायूस हो चुके हों सात मरतबा बारिश के पानी आरोप दम करके उस पानी को पिए इनशालाजीज शफा हासिल होगी जैसा भी मर्ज होगा इन शह लजीज इस अमल की आप सेहत याब हो जाएंगे नादे अली आ रही होगी नादाबी तजिदू अउन नबा इबी कुल्लू हम सयन बिनिका या मुहमद रसूलिका या अली या अली या अली अगर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो उसके लिए सैतालीस मरतबा नादे अली को पढ़कर अपने हाथों पर दम करके सारे बदन पर फेर लें जिससे आप बात करेंगे वो आपकी बात को मानेगा अगर आप समझते हैं कि आप किसी को कोई पैगाम भेजेंगे या किसी से आप खुद बात करेंगे तो वो आपकी बात नहीं मानेगा और ये भी मालूम हो कि मेरा पैगाम मंजूर होगा या नहीं तो चुपके से तीन बार नादी अली को पढ़कर जिसको आपने पैगाम देना है या जिससे आपने अपनी बात मनवानी है उसके कान में दम कर दे इनशा अजीज जो भी आप उससे बात करेंगे अपने जिस भी मकसद के लिए या उसको पैगाम देंगे वो आपकी बात को जरूर मानेगा यानी कि आपको कामयाबी हासिल होगी अगर किसी पर किसी किस्म की कोई तोहमत लग गई हो या कोई मुलजिम किसी इल्ज़ाम में पकड़ा गया हो तो ताफाई चालीस मर्त बाहर रोज नाद अली को पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करे तो इन शजीज़ तोहमत से या इल्ज़ाम से बहुत जल्द रिहाई नसीब होगी इन वज़ायफ को करते हुए कुछ बातें आपने अपने जहन में रखनी है जो भी आप अमल या वजीफा करें तो उससे पहले अव्वल आखिर कम अज कम ग्यारह बाद पढ़ लें द्रूद आप कोई भी पढ़ सकते हैं वजीफा शुरू करने से पहले कम अज कम एक रुपया पाँच रुपए या ग्यारह रुपए या अगर साहब इस्तात हैं तो इक्कीस रुपए निकाल कर किसी मोहताज को सदका कर दें। वजीफा पढ़ते वक़्त साफ सुथरे कपड़े पहने बाबूजू रहें और जिस जगह वजीफा पढ़ा जाए वो पाक और साफ हो और अगर मुमकिन हो तो खुशबू का अपने बदन या कपड़ों पर इस्तेमाल भी कर लें इससे अगली वीडियो में लजीज़ आपको नाद अली पढ़ने के नौ वज़ायफ़ बताएंगे जिसमें मालो दौलत गैबी मदद और किसी से बात मनवाने के वज़ायफ शामिल होंगे बहुत ही ताकतवर और मुजरब वज़ाइफ़ हैं ये वज़ायफ़ हम खुद भी अपनी जिंदगी में करते हैं और इसकी बरकत से अलहदुल्ला एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे है आपसे इतमास है आप भी इन वजायफ को यानी नाद अली पढ़ने को अपने मामूलत जिंदगी में जरूर शामिल करें इन शह लजीज इसकी ताकत इसके करिश्मात आप अपनी खुली आँखों में अपनी जिंदगी में देखेंगे आखिर पे आपसे हमारे वज़ायफ़ गो अपने दोस्तों अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज्यादा ऐसी ज्यादा लोग इनसे इस्तेफाता हासिल कर सके अल्लाह तब का हामीना हो